हनुमान जी का ताबीज बनाने की संपूर्ण विधि। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा ज्योतिष और मैं आपके साथ आपका ज्योतिष मित्र डॉक्टर राजकुमार शर्मा। हनुमान जी का ताबीज बनाना सीखें, ऐसा एक शॉर्ट वीडियो था जिसके ऊपर आपके बहुत लाइक्स मिले हैं, बहुत कमेंट्स मिले हैं और आप लोगों का बड़ा प्यार मिला है। तो उस पर जो बार बार सवाल आते हैं उनके हालांकि मैंने जवाब सबको दिए हैं, फिर भी उन सभी जवाबों को मिलाकर ये वीडियो मैं जारी कर रहा हूँ। आप इसमें सहयोग प्रदान कीजिएगा, आपके जितने भी सवाल हैं उन सब का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हनुमान जी का ताबीज बनाने का जो संपूर्ण तरीका है या जो संपूर्ण विधि है उसको समझिएगा। सबसे पहले जो हनुमान जी का ताबीज बनाने के लिए हमें मंत्र चाहिए वह आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र को आप मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने अथवा तस्वीर के सामने बैठकर सबसे पहले 108 बार इसका जाप करें। जाप करने के बाद में आप या तो भोजपत्र का एक छोटा सा टुकड़ा लें, अगर भोजपत्र आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एक कोरा सफेद कागज ले सकते हैं। कोरे का मतलब उसमें कहीं कोई लाइनिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। फिर आपको लाल स्याही वाले पेन से उस भोजपत्र या सफेद कोरे कागज पर इस मंत्र को लिखना है एक बार। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट स्वाहा। यह लिखने के बाद आपको इसे फोल्ड करके प्लास्टिक के पाउच में डाल लेना है। पाउच में डालने के बाद में आपको इसको ताबीज में डाल लेना है। प्लास्टिक के पाउच में डालने से ये खराब नहीं होगा, पानी लगने से खराब नहीं होगा। उसको ताबीज में डालने के बाद लाल धागे में आप इस पर बाजू पर भी बांध सकते हैं अथवा आप इसे गले में भी डाल सकते हैं। बड़ा अच्छा और सुंदर तरीका है और बहुत ही बढ़िया कारगर यह ताबीज सिद्ध होता है। हर तरह से कार्य सिद्धि होती है, आपके रुके हुए काम है वह बनने लगते हैं। शनि राहु केतु की अगर कुदृष्टि हो तो वह भी शांत होती है। इनकी अगर दशा हो और गलत जगह बैठे हों, गलत प्रभाव आपको मिल रहा है उससे आपको फायदा होगा। हर तरह की प्रेत बाधा, भूत बाधा, किसी तरह का भी टोना टोटका हो, इन सब से आपको यह ताबीज हमेशा बचाता रहेगा। बशर्ते आप जब भी आपके घर में अगर सूतक हो या आप कहीं दाह संस्कार में जाकर आ रहे हैं तो वापस आकर सूतक निवृत्ति के बाद स्नान करके आप इसे शुद्ध कर लें। गंगा जल में धोकर आपको इसे गूगल धूप देनी है, गूगल धूप की धुआं में आपको इसको घुमाना है और फिर से 108 बार इस मंत्र का जाप करना है जिससे ये शुद्ध हो जाएगा। पुनः आप इसको धारण कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी समझ आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ जिससे कि सभी को यह संपूर्ण विधि प्राप्त हो सके। आगे इसी प्रकार आप अपना प्यार हमें देते रहिए। हमारे पास जो जानकारियाँ हैं वह हम आपको बांटते रहेंगे और तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, हरिओम।